सो आई हैव रीच आउटसाइड ऑफ माई जिम. मैं अपने जिम के बाहर पहुँच चुका हूँ. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस, मतलब काफ़ी दिन बाद ना आना हुआ. थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था हमने जिम से भी, और उसी के चक्कर में थोड़ा मतलब मेरा वेट भी थोड़ा सा गेन हो गया. थोड़ा सा मैंने वेट गेन किया है. सो अभी इट्स लाइक टाइम टू गेट बैक इन फॉर्म शेप, गेट बैक इन शेप. सो वेदर भी आज का थोड़ा सा गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, इट्स लाइक मॉडरेट. सो आज है मंडे और भैया लेट्स स्टार्ट विद द लेग. सो चलो जाके देखते हैं. और मुझे ये भी देखना पड़ेगा मतलब इतने मतलब दिनों से मैं आया नहीं, तो मतलब कैसा होगा उनका रिएक्शन, तो चलो वो भी देख लेते हैं. सो लेट्स गो. निके टाइम बाद आई भाई, बाबे निके टाइम बाद आई भाई. आली आली अब से बिस्तारी बिस्तारी फॉर्म ऑन कर. Just finished my workout, so like after long gap, my strength to down hota hai na. Kya bole? Yeah, lekin koi baat nahi. Abhi to wo to wapas gain ho jayega. To yeah, so time to move. Yahan se nikalte hain duty. Abhi iske baad mujhe ड्यूटी भी तो जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक सामान लेना है यहाँ से, तो वो भी जाके ले लेते हैं. सो या टाइम टू मूव, अभी चलो निकलते हैं भाई. वैसे बहुत दिनों बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब लेग्स वर्कआउट किया है, तो अभी तो ठीक है, लेकिन इसका असर ना शाम को या कल सुबह दिखेगा शायद, क्योंकि लेग्स के बाद जो मतलब पैरों में जो मतलब दर्द रहता है ना, वो तो आपको ही पता है ना. जो मतलब अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि कैसा होता है ना. वैसे यहाँ से ना मुझे तो लेफ्ट की ओर जाना है, लेकिन ये वन वे होने की वजह से थोड़ा सा रास्ता लंबा रास्ता लेना पड़ेगा. आना मुझे इस यहीं पे नीचे ही है, तो चलो अभी क्या करें, घूम के ही आना पड़ेगा. Thank you.
बारिश हो रहा है भाई, बारिश स्टार्ट हो गया। अरे भाई बाप रे, डिस्टेंस ऐसे है ना, डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि कभी भी ऐसे पीछे आ गया ना, खुद भी ठोक जाएगा साला, हम उनको भी ठोक देगा। चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपना रख लेता हूँ। कानो दान अंकल को कालो दाल था, कालो दाल चाहिए सर। दिदी को कालो दाल छैन अलि, कालो दाल छ मधुर त सो। चलो नहीं मिला अभी, क्योंकि इतना सुबह सुबह बहुत जल्दी दुकान भी खुलता नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, ये देखिए मैं वापस उसी रास्ते पे आ गया। वापस इसी रास्ते पे, और अभी ना मतलब हमारे इधर भी ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा ही होने लग गया है। चलो आने दो भाई। दिस
डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। खुद ही ऐसे मामले में ना खुद ही मतलब सेफ रहना ज़रूरी है भाई, वरना जेबों पर भी बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है। और इन्होंने पता नहीं क्या किया है, अभी रास्ते पे ऐसे खड़े हो गए। अभी मतलब बारिश में ना मतलब थोड़ा जोर से ही मतलब होना शुरू हो गया है, तो मेरे पास अभी मतलब कैमरा के लिए कोई प्रोटेक्शन तो नहीं है अभी, मतलब ऐसे कोई कवर वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा देर मतलब ऐसे बारिश में रखूँगा। वैसे तो मतलब वाटरप्रूफ है लेकिन फिर भी रिस्क लेना नहीं चाहता मैं, तो अभी के लिए मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे बाद में, गाइस।